ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। अगस्त का महीना विशेष तौर पर आ गया है और अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के लिए बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों, देखिए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके शुक्र महाराज जो हैं वो आपकी राशि के अनुसार से कई विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लग्न में चल रहे थे आपके, ऐसे में अस्त भी हो गए सूर्य के कारण से, आपके राशि स्वामी के कारण से, और साथ साथ वो वक्र गति से चलते हुए अस्त अवस्था में ग्रह परिवर्तन भी करेंगे। और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए एक तरह से 12वें भाव में होगा शुक्र का। ये क्या कुछ करेगा आपके लिए, विशेष तौर पर कई चीज़ों में तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। सूर्य वैसे ही आपके 12वें भाव में चल रहे हैं जो महत्वाकांक्षा उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। शुक्र वहाँ साथ चले जाएंगे तो राजयोग तो उत्पन्न करेंगे लेकिन क्षीण अवस्था में कमज़ोर हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, वक्री हैं। तो ये क्या कुछ आपके लिए ग्रहों का योगायोग बनने जा रहा है, विशेष तौर पर बहुत सावधानी से आपको समझ लेना चाहिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि डेट वाइज आपके लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है, क्या प्रकार का योग बनने वाला है। देखिए इससे पहले हम आपको एक बात बताएं, हम जो ये राशिफल बताते हैं, बहुत सारे लोग आपके समक्ष हमारे समक्ष प्रश्न लिख के भेजते रहते हैं कि राशिफल किस प्रकार से, लग्न से है या ज़ोडिक साइन या क्या है। देखिए राशिफल जो है विशेष तौर पर समझना चाहिए, ये ज्योतिष का विषय है कि कौन सा प्रभावी है आपकी कुंडली में। आपकी जन्मपत्री को देखते हुए आपकी मुख्य लग्न कुंडली प्रभावी है या सूर्य कुंडली प्रभावी है या चंद्र कुंडली प्रभावी है या कौन सा कारकांश, आत्मकारक या अमात्यकारक या विशेष तौर पर भ्रातृकारक या बहुत सारे हजारों चार्ट बनते हैं कुंडली के अंदर, कौन सा प्रभावी उत्पन्न कर रहा है, कौन सा खेल आपके साथ जीवन में चल रहा है ग्रहों का योगायोग, कौन सी कुंडली प्रभावी है। कई बार हम कुंडली देखते हैं व्यक्ति की और उसमें देखते हैं कि लग्न से तो कोई प्रभाव आ ही नहीं रहा, और जैसे ही कुंडली को और एनालाइज करने का प्रयास किया चंद्र कुंडली से तो बहुत ज़्यादा उससे पूरा भाव ही उत्पन्न बदल जाता है। तो ये ज्योतिष के बहुत सूक्ष्म विषय, इन सबको समझ लेना चाहिए। खैर, हम यहाँ जो उपस्थित करते हैं भाव, वो राशि, लग्न, सूर्य कुंडली, इन सबको देख कर, यदि आपका सूर्य लग्न कहाँ कौन से लग्न में है उसके हिसाब से प्रभाव राशि पढ़ सकते हैं आप, लग्न कुंडली से प्रभावित कर सकते हैं, राशि से आपका चंद्रमा जहाँ पर उसके अनुसार से। सबसे पहले इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कौन सी राशि आपके ऊपर प्रभावी है, कौन सी कुंडली आपके ऊपर प्रभावी है, उसके लिए अच्छे से अपने जन्मपत्री चार्ट को एनालाइज करते हुए कार्य करने का, समझते हुए कार्य करना चाहिए। तो खैर, चाहे आपकी राशि सिंह है या लग्न सिंह है, दोनों के लिए आप इस प्रभाव को समझ सकते हैं और उसका प्रभाव आप देखेंगे कि आपके जीवन में वैसी वैसी घटनाएं आने वाले समय में घटने के योग बनने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष को हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, भावों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से, खेल को समझते हुए, ग्रहों के परिवर्तन को समझते हुए आपके समक्ष पूरी घटनाक्रम को आपके समक्ष उद्धृत करने का प्रयास करते हैं। 1 अगस्त की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को पंचांग कहता है, मंगलवार है, पूर्णिमा तिथि है, सावन मास की अधिक मास की पूर्णिमा तिथि है, और साथ साथ चंद्रमा जो है वो आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। उस दिन सत्यव्रत भी है और साथ साथ भद्रा विद्यमान है सुबह दोपहर को करीब करीब 1:57 तक। तो नए कार्य आरंभ करने से वैसे में बचना चाहिए, दोपहर तक थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए, मंगलवार का अवसर है। ऐसे में भद्रा में कुछ नए कार्य, नए कागज़, नई जमीन, नए विशेष तौर पर कोई प्रोजेक्ट लिखते हुए कार्य करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कष्ट होने की, रूटीन कार्य करने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए कार्य से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। विशेष तौर पर आजकल ग्रहों का स्थिति देखें तो शनि मंगल का टकराव चल रहा है और ऐसे में चंद्रमा आपके 6ठे भाव में चले जाएँ तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य, खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य नरम रहने के योग दिखाई देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक काम करें, चावल का दान करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके मंगल प्रभावी हो जाएंगे, मंगल आपके लग्न में चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा शांत करने का प्रयास करेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उपयुक्त है। आज के दिन विशेष तौर पे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, और रुद्राभिषेक किससे किया जाए, आप देसी खांड से हनुमान भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए, और या खांडयुक्त जल से या इच्छु रस से, देखिए आपके इन ग्रहों को दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि को समझते हुए मंगलवार, सावन के महीने में जो अधिक मास में मंगलवार पड़ रहा है, सावन का महीना चल रहा है, उस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। उस दिन विशेष तौर पर रुद्राभिषेक है शाम को 6 बजे, 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ है, उसके बाद विशाल भंडारा है, आरती है, प्रसाद है सब, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं इस सुंदर कार्यक्रम का।
जो लोग सम्मिलित होना चाहें फ़ोन नंबर स्क्रीन पर हैं उन पे अपना आरक्षण स्थान आरक्षित करा के लाभ लीजिए, धन्यवाद, अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त को बुधवार का अवसर है और सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष का आरंभ हो रहा है इस दिन, प्रतिपदा तिथि है। और ग्रहों का योग आयोग आपकी राशि के अनुसार, यदि हम सिंह राशि के हिसाब से बात करें तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि मंगल का टकराव, चंद्रमा छठे भाव में, ये दोनों स्थिति बनी हुई है, ये थोड़ा सा भाव आपके लिए कष्ट का योग दिखाई देता है। ऐसे में आपको ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, नज़ले जुकाम से बचना चाहिए और मौसम का जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में अनुकूल प्रभाव न उत्पन्न करे ऐसा दिखाई देता है, तो उसका ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, थोड़ी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हुए ना काम करें। हर चीज़ में बहुत बड़ी ऊंची सोच के साथ साथ काम भी ऊंचा करने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, केवल सोच ऊंची रह जाएगी, फिर रिजल्ट आएंगे नहीं और फिर आप मन में परेशान होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जितनी बड़ी सोच कर रहे हैं उतना बड़ा कार्य भी करने का आपको प्रयास करना है, तब जाके सफलता प्राप्त। हिम्मत बहुत है, हिम्मत बहुत बढ़िया है, हिम्मत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्य उतना करने में थोड़ा आलस आ रहा है, ये ग्रहों का परेशानी होने के योग है, तो इसका उपाय कर लीजिए, ठीक होंगे। और आपके लिए तो उपाय हमने आपको बता ही दिए कई प्रकार के, उनको करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 3 अगस्त के लिए हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन, कई ग्रहों का परिवर्तन है, एक तो बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि है सावन के अधिक मास की कृष्ण पक्ष की। उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन सूर्य उदय से पहले हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए उन्नतिदायक योग बनाएगा, अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करेगा। शुक्र महाराज अस्त है, अस्त विशेष तौर पर होने जा रहे हैं, वक्र स्थिति चल रही है और शुक्र अस्त हो जाएंगे शाम को 17 बजे करीब करीब, यानी 5:51 पर शुक्र अस्त हो जाएंगे। ये शुक्र का अस्त होना, लग्न में रहते हुए शुक्र का अस्त होना, एक तरह से जीवन में थोड़ा सा एक इमोशनल फैक्टर्स को थोड़ा दिक्कत करता है, कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं हल्का सा थोड़ा सा झटका लग सकता है, इमोशंस में कोई पत्थर मारने का कार्य कर सकता है, थोड़ा अपने आप को प्रबल करने का प्रयास कीजिए। आपका मंगल बहुत उग्र चल रहा है इन दिनों, मंगल के एग्रेसिव होने के कारण से पता नहीं मुख से क्या निकल जाए और फिर आपकी बातें ही आप कहीं हर्ट ना कर जाए, सामने वाले की बात खुद नहीं देखेंगे आपकी क्या बोल रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति कहीं कुछ करेगा तो फिर इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा, दुख होगा, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, दूध का दान करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर तभी बनेंगे, अन्यथा बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, वक्र अवस्था में शुक्र अस्त हो रहे हैं, ये विशेष तौर पर जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए बहुत सावधानी भरा समय है, जो लोग किसी प्रकार का रिस्क वाला काम करते हैं उनके लिए बहुत सावधानी भरा समय है, फॉरवर्डिंग बिजनेस वालों के लिए बहुत सावधानी भरा है, रुई का काम करने वाले, चांदी का काम करने वाले, अनारदाने का काम, जो अन्य का काम करने वाले लोग, उनके लिए विशेष तौर पर मार्केट में कुछ परिस्थिति परिवर्तन की तरफ जाती दिखाई दे रही, कष्ट दे सकती है, सावधान होकर काम कीजिएगा, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। वहीं 4 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है और उस दिन साथ में तृतीया तिथि है, चतुर्थी का आगमन थोड़ी देर बाद हो जाएगा, तृतीया के उपरांत चतुर्थी का आगमन हो रहा है और ये ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस का समय दिखाई देता है। बहुत सारी आपको पहले से पूर्वाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो सकता है, लग रहा होगा अंदाजा कि किस किस प्रकार से क्या क्या होने के योग हैं और कुछ देर बाद देखेंगे वो घटनाएं आपके समक्ष घटने के योग भी बन जाएंगे, तो इसलिए उस पूर्वाभास की जो आभास आपको हो रहा है, घटनाओं का पूर्वाभास होने का आभास आपको हो रहा है, उसका आपको सही यूटिलाइज करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो आभास आपको हो रहा है गलत नहीं है, उसके अनुसार से काम करेंगे, अपनी मन की आवाज़ को सुनते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको, देखिए इस दिन एक बात का ध्यान रखें, भद्रा विद्यमान रहेगी 12:45 तक, तो 12:45 तक कोई नया काम नया चीज़ों का आरंभ ना करें, उसके बाद करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश की मंदिर में जाकर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, यह बहुत सुंदर उपाय हो सकता है, इसको करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। वहीं 5 तारीख की यदि हम बात कर लें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, थोड़ी देर बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, सूर्य उदय से पहले पहले चंद्रमा का परिवर्तन मीन राशि में हो गया है और मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने के कारण से थोड़े से खर्चे आपके बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, बेकार के खर्चे अपने पल्ले ना पड़े, उससे थोड़ा बचते हुए आपको कार्य करने का अवसर करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो ऐसे में कोशिश करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध में तिल डालकर उनका अभिषेक करिए, कष्ट कम होंगे और अच्छा रहेगा योग, आपके लिए
पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला समय बना सकते हैं आप। वहीं 6 तारीख के लिए हम बात करें तो 6 तारीख को रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि उदयतिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन षष्ठी तिथि जो है वो अस्त हो जाएगी अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले, उससे पहले समाप्त हो जाएगी। तो यानी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 6 तिथि है, रविवार का अवसर है, तो ये तिथि विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने वाली है। और साथ साथ गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, यानी 6 और 7 तारीख को गणमूल नक्षत्र रहेंगे रेवती और अश्वनी। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें कि कोई जातक नया घर में जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन जाते हैं। बच्चा जातक जो है परिवार के लिए स्वयं के लिए भारी रहता है। उपाय क्या करना होता है, मूल मंत्र का जो मूल शांति मंत्र है ओम त्रम मगम यजामहे, इसका 27,027 दिन तक जप होता है, हजार रोज, यही उपाय है वास्तविक तौर पर और बहुत ही शास्त्रोक्त उपाय है। इसको अवश्य करें, मूल शांति प्रॉपरली कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ग्रहों की गणना देखें तो ऐसे में एक बात देखें कि चंद्रमा जो है आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, और शनि और बृहस्पति, शनि और राहु के बीच में चल रहे हैं। बृहस्पति हैं लेकिन राहु के ग्रसित होने के कारण से वो विशेष तौर पर चंद्रमा को उन्होंने शीर्ण कर दिया है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर दूध का दान करना चाहिए, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, ये अच्छा उपाय रहेगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आपको स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातें आपको हर्ट ना करें इस बात का ध्यान रखें, उनमें लिप्ति ना होइए। छोटी छोटी बातें घटती रहती हैं, घटनाएं चलते, सामने वाला साधु चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। देखिए इस बात का ध्यान रखें, जो बोलता है बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, अपने आपको इमोशनली स्ट्रांग रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। धर्म में कार्य करें, एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रहों का योगायोग एक बहुत अच्छा योग बना रहा है आपके लिए। जितना धर्म में आप आस्था रखेंगे उतना आपके घर में शांति रहेगी, मन में उतना विश्वास रहेगा, और जितने नास्तिक रहेंगे आप धर्म से दूर होंगे उतने ज़्यादा दुखी होंगे, परिवार में अशांति होगी। तो आप चाबी आपके हाथ में है, इसको काफ़ी लंबे समय तक उपयोग करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का योगायोग बहुत विशेष हमने आपको बताया है, इसका उपयोग करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 7 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि इस दिन सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, सावन के अधिक मास का सुंदर सोमवार है, और ग्रहों का परिवर्तन विशेष रूप से हो रहा है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा युग बनाने वाले हैं, गजकेसरी युग बनाने वाले हैं, धन के आगमन की सूचना देने वाले हैं। शुक्र वक्र राशि, वक्र स्थिति में चलते हुए अस्त होकर सूर्य के साथ 12वें भाव में आप कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, सुबह सुबह करीब 11:01 पर। ये परिवर्तन आपके लिए एक तरह से हम समझें तो, वैसे तो शुक्र का 12वें भाव में जाना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अस्त हो गए, क्षीर्ण हो गए, शुक्र का क्षीर्ण अवस्था में जाना 12वें भाव में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। ये राजयोग तो देगा लेकिन कम अवस्था में देगा, यानी समय ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके द्वार पर आकर वापस लौट जाएं। ये शुक्र का परिवर्तन इस प्रकार का हो रहा है कि अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके, थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करें, थोड़ा अपने आप को डाउन रखते हुए कार्य करें। डाउन मैं हिसाब से कह रहा हूँ कि आपका जो लेवल है सोच यहाँ जा रही है, इसको थोड़ा नीचे करने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य वहाँ पर 12वें भाव में बैठकर महत्वाकांक्षा, यानी नहीं नहीं मेरे पास तो ये बड़ा अच्छा है, मैं तो इसी लेवल पर काम करूँगा, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो ना, क्यों जो अच्छा है जो एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए, जो आपके समक्ष भगवान की प्रेरणा से आता है। जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती हैं वो भगवान की प्रेरणा से घटना घटती हैं, हमको उस वक्त चुनाव कर लेना चाहिए, तो बाद में सोचना पड़ सकता है वही एक्सेप्ट कर ले तो अच्छा था, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप इस दिशा से सोचते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन सोमवार है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, जो शाम को करीब 4:41 तक रहेगी, तो नए कार्यों से आरंभ करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा भद्रा दोष लग सकता है। नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए, नए सौदों को करने से बचना चाहिए इस समय में, नहीं तो नुकसान होने के योग बाद में बनते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सोमवार का अवसर है तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से सावन के सोमवार के अवसर पर रुद्राभिषेक बड़ा विशाल का आयोजन किया है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इन्विटेशन हम आपको इस कार्यक्रम और अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। सुंदर रुद्राभिषेक सावन के महीने में, रुद्राभिषेक से सुंदर कोई कार्य नहीं है। शिव के आप देखिए, जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है भगवान की प्रेरणा से ही प्राप्त हो रहा है, और हम कई बार भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते हैं, कई बार तो जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है कि भगवान के मंदिर के सामने झुकते भी नहीं हैं। कोशिश ये करें, उस ईश्वर की प्रेरणा से समस्त कार्य हो रहे हैं, अपने थोड़े समय को उसमें लगाने का प्रयास करें। हमने इन सब शुभ मुहूर्तों को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यक्रम का आयोजन हम लगातार करते रहते हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पे, भगवती दुर्गा की बहुत सिद्ध प्रतिमा है,
उनका दर्शन कर लेने मात्र से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और साथ साथ ये सुंदर कार्यक्रम रुद्राभिषेक का भी पूरे सावन के महीने चल रहा है, हर महीने अनेक प्रकार के उत्सव चलते रहते हैं। आप जुड़िए हमारे विवेकानंद योग आश्रम से, दिल्ली में जो आश्रम है जमुना पार्क कॉलेजी में स्थित है, आइए कल्याण के योग बनेंगे। माँ भगवती के दर्शन से, ईश्वर की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के, मनोकामना सिद्धि करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 8 तारीख की ग्रह गणना बड़ी सुंदर है और उस दिन विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, अष्टमी का योग, कालाष्टमी का योग और ग्रह गण आपके लिए बड़े अच्छे हैं। धर्म से आपको लाभ होने के योग बनते हैं, धर्म की तरफ आपकी इच्छा जाग सकती है और धर्म की तरफ जाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आपकी धार्मिक इच्छाओं, धर्म सत्संग सुनने में, उसको प्रकार से कथाओं को सुनने में, आपके धर्म कार्य करने में आपका अच्छा मन अच्छा लगेगा। और ये सोचिए, धर्मयुक्त कार्य करने से ही आपके जीवन में इन दिनों लाभ के योग बन रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें, जो मन में भावना आ रही है धर्म की तरफ जाने की, पूजा पाठ करने की, ईश्वर का नाम लेने की, उसको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। उसमें कोई सोच विचार नहीं, अरे बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उनको हटाने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है, हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस योग को देखते हुए बड़ा सुंदर सुंदरकांड का पाठ रखा है। सावन का रुद्राभिषेक चल ही रहा है, तो 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक विशाल भंडारा भी रहेगा। तो आप सब अपने सादर आमंत्रित हैं, आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें, रुद्राभिषेक में भाग लें, सुंदरकांड का पाठ में भाग लें, कल्याण होगा। इसमें स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साधकर आप समस्त व्यवस्था जान सकते हैं। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, नवमी तिथि है, वृषभ में चल रहे हैं चंद्रमा और ये वृषभ में चंद्रमा जाना आपकी राशि के अनुसार से बहुत शुभ योग बनाने वाले हैं। चंद्रमा उच्च के होकर दशम भाव में जाएंगे, यह आपके लिए बहुत सुंदर लाभ बनाने की स्थिति देंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, निर्द्वंद होकर काम में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, आपको बस केवल अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करना है और पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ना है। रिजल्ट अच्छे से आपके प्राप्त होने के योग बनेंगे। वहीं 10 तारीख अगस्त की हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों की गणना आपके लिए अच्छी बनी है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सही तरह से कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देखिए, ग्रहों की गणना कहाँ कहाँ क्या कुछ कर रही है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी कोई मन में शंका है, अपनी जन्मपत्री को अच्छे से आप एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में संपर्क साधने के लिए नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमारे आश्रम पर बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं, उसमें भाग भी ले सकते हैं। धन्यवाद।